उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ट्रिपल मर्डर की वारदात सामने आई है, जहां गृह कलेश को चलते पति ने अपनी पत्नी और ससुर की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद खुद को गोली मारकर उसने भी जान गंवा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर में हुए ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है, जहां गृह कलेश से परेशान पति ने पहले अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर बेरहमी से मार दिया और फिर ससुर को पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह करीबन 3 से 4 के बीच बीआरबी को थानाराट क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओम प्रकाश नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी अनुसुईया को जला दिया है और अपने ससुर नंदकिशोर की भी हत्या कर दी है। उसके बाद खुद को तमंचे से फायर करके आत्महत्या कर ली गई है। इस जानकारी को जानकारी के प्राप्त होते ही तत्काल थाने की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। सारे उच्च अधिकारी मौके पर आए। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। गहनता से जानकारी करने पर यह पता पड़ा कि मृतक और मृतका की जो बेटी है 16 साल की, उसके द्वारा बताया गया कि उनके माता पिता का काफ़ी समय से घरेलू विवाद चल रहा था, पारिवारिक विवाद, और जो उसकी माँ है वो यहाँ पर रहती थी अपने ससुर अपने मायके में। कल पिताजी के द्वारा आके माँ को जला दिया गया। जब सब लोग माँ को बचा रहे थे जलने से, उसी बीच में लड़की के फादर की और उसके नाना की झड़प हुई, जिसमें नाना को भी उसके द्वारा गिरा दिया।